दोस्तों, हरून म्यूज़िक एकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आज मैं आपको राग मारवा का ख्याल सुना रहा हूँ, जो कि तीन ताल में है और इसके बोल नहीं हैं। ये सुरों के साथ ही तीन ताल में इसकी बंदिश की गई है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बोल हों तो फिर ही राग बनता है। उन्होंने सुरों के साथ इसको बंदिश किया हुआ है, सिर्फ राग मारवा को उजागर किया है। मकसद ये है बोलों का या सरगम का कि राग मारवा को उजागर किया जाए और इसको ताल ताल के साथ इसका जो तराना वगैरह है या ख्याल वगैरह जो भी है नगमा वगैरह वो उसी राग में हो और उन सुरों में हो, ताकि राग अयां हो जाए। ये देखें, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाजे पे पहले बजा के दिखाऊँगा, उसके बाद फिर इसको हम लय में करेंगे। तो चलिए, हारमोनियम पे मैं आपको इसको बजा के दिखा रहा हूँ। अब हम हारमोनियम पे आ गए हैं, तो इसको मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर लय के साथ करते हैं। पहले आपको बजा के दिखा रहा हूँ। नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे सा नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे सा नी दा दा सा नी दा मा दा गा मा गा रे सा नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे सा। ये बजाया भी हारमोनियम पे। अब इसी को हम आपको तीन ताल में करके दिखा रहे हैं। नी रे गा मा नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे गा नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे गा नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे सा नी दा दा सा नी दा मा दा गा मा गा रे सा नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे सा नी दा दा सा नी दा मा दा गा मा गा रे गा नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे गा नी दा दा सा नी दा मा दा गा मा गा रे गा नी रे गा मा दा मा दा मा गा रे गा मा गा रे सा। तो ये है दोस्तों राग मारवा का ख्याल, जो मैंने आपको तीन ताल में करके दिखाया, और ये सुरों के साथ है, क्योंकि मौसीकी के जो चार घराने हैं उनकी तालीम मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि राग के सुर और हर चीज़ एक ही है। यानी चाहे पटियाला है, चाहे कोई घराना है, चाहे तलवंडी वगैरह जो भी है, उसमें जो कोमल सुर लगते हैं वो कोमल ही लगेंगे। जो तीवर हैं वो तीवर ख्याल के बोल या सुरों की बंदिश बदल सकती है, लेकिन तीवर कोमल जो है वो कभी नहीं बदल सकता, जैसे इस राग में है। ये पटियाला वाले भी यही बताएंगे, तलवंडी वाले भी यही बताएंगे, और दूसरे जो घराने हैं वो भी इनकी तलीम भी जो है वो भी यही है। यानी पटियाला वालों के ज़्यादा जो ख्याल हैं रागों के वो सुरों की शक्ल में हैं, और बाकी ग्वालियर वगैरह तलवंडी वगैरह जो घराने हैं शाम चौरासी, इनकी जो तलीम है वो ख्यालों के साथ यानी बोलों के साथ है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि सर्ग में याद हो, बोल याद हो सरगमों के, तो वो कोई मसला नहीं है। वो जब कोई बंदा ख्याल देखता है तो उसमें वो बना लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ जो है वो यही है कि राग का कोमल तीवर आपको पता होना चाहिए, वादी सामवादी पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी सुर लगती है। और दूसरी बात यह कि हर सुर से आपने इसको बनाना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।